टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु अबीर को ठीक करने में लगे हुए हैं। अभिनव की मौत के बाद से अबीर डिप्रेशन में चला गया है। वो पूरा दिन सिर्फ अभिनव को ही याद करता है। अक्षरा ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए फुटबॉल मैच की तैयारी की, जिस वजह से पूरा परिवार इस मैच में फंस चुका है। वही एक तरफ जहां अबीर के लिए अक्षरा अभिमन्यु हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच अब खबरें सामने आई हैं कि शो में नए मेल लीड एक्टर की एंट्री होगी, जिनके साथ दिखेगा अलग ही रोमांटिक ट्रैक भी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये न्यू एंट्री अक्षरा के लाइफ में होने वाली है, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, बल्कि नए शख्स की रोमांटिक स्टोरी नजर आएगी आरोही के साथ। शो में आरोही के किरदार को देख साफ हो चुका है कि उसे एहसास हो गया है कि अभिमन्यु कभी भी उसका नहीं हो सकता। ऐसे में अब जीवन में आगे बढ़ने की प्लानिंग बनाती नजर आएगी आरोही, क्योंकि उनका अकेलापन उन्हीं पर हावी हो रहा है। ऐसे में खबरें हैं कि शो में जल्द ही एक नई एंट्री होगी जो आरोही से रोमांटिक रूप से जुड़ने वाली है। हालांकि शुरुआत में आरोही इस नए शख्स को लेकर कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं करेगी, लेकिन अक्षरा उसका पक्ष लेते हुए नजर आएगी और आरोही को जिंदगी को एक और मौका देने की बात कहेगी। वहीं दूसरी तरफ मंजरी डरी हुई नजर आएगी, क्योंकि वो रूही को खोना नहीं चाहती, और अगर आरोही बिड़ला हाउस को छोड़ती है तो रूही भी उसके साथ चली जाएगी। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं है कि शो में किस मेल लीड एक्टर की एंट्री होगी और कब तक होगी, लेकिन इस खबर ने हर तरफ कोहराम जरूर मचा दिया है और शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर अब जनता काफी एक्साइटमेंट जाहिर कर रही है।